हाय एवरीवन, इट्स मी सवड़ा एंड वेलकम माय न्यू ब्लॉग। तो भाई लोग यार क्या हाल चाल, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो गाइज आज के इस ब्लॉग में मैं जाने वाला हूँ मेला। तो गाइज मैंने सोचा कि आपको भी मैं मेला घुमा दूँ। तो गाइज मैं एक ब्लॉग बना रहा हूँ, इस ब्लॉग में मैं आपको मेला घुमाने वाला हूँ। तो गाइज इस ब्लॉग में आपको भी बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला। तो गाइज ब्लॉग को पूरा लास्ट तक देखना और गाइज ब्लॉग को एक लाइक कर देना। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो गाइस प्लीज हमारे इस ब्लॉग YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको हमारे नए नए ब्लॉग की अपडेट मिलती रहे। तो गाइस चलिए ज्यादा टाइम बैठना करते हुए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं मेला। तो गाइस अब हम निकल चुके हैं मेले के लिए और गाइस मेले के लिए मेरे साथ जा रहा है मेरा एक फ्रेंड अनमोल। हाय। तो गाइस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। और गाइस अगर आप हमारे इस चैनल पर नए तो प्लीज हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको हमारे नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो गाइज अब हम यहाँ पर मेला में आ चुके हैं। गाइज मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आप जो गाइज आप जो देख रहे हैं सामने वहाँ पर मेला लगा हुआ होगा। अब हम मेले में एंट्री मार गए, तो अब गाइज चलते हैं और वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। का नाम है माती माफी। और गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मेला क्यों लगता है। गाइज यहाँ पर पुराने समय में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजा बैल। और गाइज जो उनकी सात लड़कियाँ थी उन्हीं में से सबसे छोटी लड़की थी जिसका नाम था गुंगा, उन्हीं को यहाँ पर माँ शेरावाली के रूम में पूजा जाता है। और गाइज मैं आपको दिखा दूँ कि ये जो सारा मेरा ग्राउंड है यहाँ पर एक कभी साई महल हुआ करता था। और गाइज यहाँ पर साई महल तो नहीं बचा है, पर गाइज आप देख सकते हो यहाँ पर जो एक पुराना दीवाने दिख रही है मात्र का एक साई महल का अवशेष दिखाई दे रहा है। और गाइज यहाँ पर साई महल के अवशेष ही बचे हुए हैं। और गाइज जो यहाँ पर देवी जिन्हें माना जाता है यानी कि जो छोटी पुत्री थी जिनका नाम था गुंगा, उन्हें ही यहाँ पर गुंगा के रूप में यानी कि शेरा माँ के रूप में यहाँ पर पूजा जाता है। और गाइज यहीं पर उनका बहुत बड़ा टेम्पल है, मैं आगे आपको वो भी दिखाऊँगा। तो गाइज ब्लॉग में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पर खड़ा हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हो। ये गाइज इस जो मेन टेंपल है यहाँ का, इसका एंट्री गेट मैं आपको इसी एंट्री गेट से जाकर अंदर जो मेन टेंपल है वो अच्छी तरीके से दिखाने वाला हूँ। तो गाइज इस ब्लॉग में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा, ये मेरा ब्लॉग आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। गाइज आप जो है सामने देख रहे हो ये है यहाँ का मेन टेंपल। और गाइज यहाँ पर ये आप ये देख सकते हो यहाँ पर एक पुराना जो महल हुआ करता था राजा का जिनका नाम था राजा बैल, उनका यह साई महल के यहाँ पर अवशेष यहाँ पर हैं जो पुराने बहुत हो चुके हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो गाइज ये तो हो गई हिस्ट्रिकल बिलोंगिंग, पर गाइज अब मैं आपको घुमाना चाहूँगा मेला। तो गाइज चलिए मेला घूमते हैं। Yeah.
गाइस मेला घूमते घूमते बहुत टाइम हो चुका है हमें, और गाइस मेले में हमने खूब इंजॉय किया। तो गाइस अब हमें घर जाना है, तो गाइस चलिए अब घर चलते हैं। मैं अब यहाँ पर आ चुका हूँ अपने घर। और गाइस आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। और गाइस अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया तो गाइस प्लीज़ मेरे इस ब्लॉग को एक लाइक कर दे, और चैनल पर अगर नया तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको मेरे नए नए ब्लॉग की अपडेट मिलती रहे। तो गाइस आज के इस ब्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं, और गाइस मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा बाय बाय।